नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अधीक्षक बलिया के निर्देशन पर शराब की तस्करी पर रोकथाम एवं बरामदगी के क्रम में दिनांक 29/9/2020 को रात्रि सातवार पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि श्रीराम जानकी मैरिज हॉल चांदपुर रोड बलौर में 3 शराब तस्कर मिलावटी अंग्रेजी शराब तैयार कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सैतवार मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा गया कि 3 व्यक्ति अंग्रेजी शराब की भरी बोतल से कुछ शराब एक टप में निकालकर टप में पानी व अन्य कुछ पदार्थ मिलाकर खाली बोतल में पुनः भरकर पैक करते हुए दिखाई दिए तथा पुलिस को देखते ही तीनों व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिनको मौके पर ही दिनांक 29/30 की रात्रि समय करीब 1 बजे सैतवार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का जब नाम पता पूछा गया तो सुरेंद्र राव पुत्र स्वर्गीय भागवत राव निवासी ग्राम कुसमा टोला सूरजपट्टी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, धर्मेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय यमुना सिंह निवासी ग्राम बैगल थाना अम्बा जनपद औरंगाबाद बिहार और तीसरे ने अरुणजय कुमार पुत्र सुदामा सिंह निवासी ग्राम खड़क परसा थाना माली जनपद औरंगाबाद बिहार बताया गया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग सरकारी अंग्रेजी ठेके से शराब लाकर भरी बोतलों को खाली कर 10 बोतल का मिलावट कर 15 बोतल बनाते थे, जिसमें तीव्रता कायम रखने के लिए नौसादर व यूरिया को पीसकर पानी में मिलाकर उस बोतल में पूर्व की तरह पैकिंग कर बिहार प्रांत ले जाकर बेच देते थे, जिससे हमको भारी मुनाफा होता था। जब कमरे की तलाशी ली गई तो 15 पेटी में विभिन्न ब्रांड के 403 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब तथा 2 बोरी में 115 सीसी भिन्न भिन्न मात्रा व ब्रांड की छोटी बड़ी खाली बोतलें व प्लास्टिक के बैग के भिन्न भिन्न ब्रांड के 375 ढक्कन व 2 प्लास्टिक के पन्नी में पाउडर बरामद हुआ, जिसके संबंध में थाना सैतवार में मुकदमा संख्या 147/2020 धारा 60X एक्ट व 419, 420, 272, 273 भारत दंड विधान का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया।